प्रदेश भर में आज शिवरात्रि की धूम रही। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। भरमौर में आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने माथा टेका। शिवरात्रि के अवसर पर पूरे 84 परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं उपमंडल देहरा के अंतर्गत करियाड़ा का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक शक्तिपीठ नाग मंदिर इससे अछूते नहीं है। यहाँ भी शिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शक्तिपीठ ज्वालामुखी के प्राचीन लाल शिवालय मंदिर में शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। यहाँ लाल शिवालय मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों ने शिव शंकर का पूजन करना शुरू कर दिया और भोले के जयकारे गूंजते रहे। सिरमौर जिला में भी शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। नाहन में प्राचीन एकादश शिव मंदिर रानीताल में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा व लोगों ने कतारबद्ध होकर माथा टेका। लड़वरोल क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में शिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर दलेड़ के महंत बाबा लालगिरी ने बताया कि मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और रात्रि के 4 पहरे विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सोलन जिला के सभी शिवालयों में भक्त भगवान शिव के आगे नतमस्तक हुए। वहीं एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में लाखों भक्तों ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर अपनी व अपने परिजनों की खुशहाली की कामना की। सुंदरनगर में भी आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। भोले के भक्तों का जय भोलेनाथ बम बम भोले के उद्घोषों से मंदिर का प्रांगण गुंजायमान रहा। शिवरात्रि के उपलक्ष पर शिवरात्रि के पावन दिन शिवरात्रि पर मैं यहाँ सभी श्रद्धालुओं को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ शिवरात्रि में जब शंकर भगवान यहाँ डेरा डालते हैं तो रात्रि में यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो वैसे तो हमारे धर्म और साइंटिफिकली काफी प्रूव किया हुआ कि शिवरात्रि के दिन तपस्या करना साधना करना बहुत भाग्यशाली और बहुत महत्वपूर्ण और फलदायक है। इसे फलदायक इसलिए बताते हैं कि इस धरती का जो बोलता है जैसे धरती है पृथ्वी है वो अपनी जब धुरी पे घूमती है तो इक्वेटर पे 90 डिग्री पे ऐसा केंद्रित होती है जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे तीसरी आंख बोलते हैं वो ऊपर उठकर हमारी नाभि तक पहुंचती है। उसके आने के बाद हमारी साधना संपूर्ण होती है। तो शिवरात्रि में इस चीज का महत्व दिया है। शिवरात्रि में धरती जो है योगानंद आश्रम जटोली में शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जटोली आश्रम में शिवरात्रि मेन त्योहार है और यहाँ पर दूर दूर से पंजाब हिमाचल हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और गुरु महाराज और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके यहाँ से जाते हैं। मैं भीम सिंह राणा अध्यक्ष शिव मंदिर कमेटी महादेव का हूँ। ये शिव मंदिर ऐसी दंत कथा है कि ये पांडवकालीन है। पांडवों ने इसको एक रात में बनाया था और ये स्वयंभू है। इसमें जो शिवलिंग है वो लगाया नहीं गया है, वो अपने आप पृथ्वी से प्रकट हुआ है। हजारों सदियों से ये ऐसा ही देखा गया है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि शिव मंदिर ऐसा ही है। बाकी यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इसमें लगभग 1 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और रात के 10 बजे तक चला रहता है प्रोग्राम। तो ये हर वर्ष की भांति ऐसा ही मेला लगता है। यहाँ पर मंदिर कमेटी की ओर से सारे प्रबंध श्रद्धालुओं की अनुरूप किए गए हैं और इसी तरह हर वर्ष यह मेला लगता है। प्रहर जो है रात्रि और दिन, ये शिवरात्रि का व्रत है। रात्रि का व्रत तो दिन और रात 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहरों में 24 घंटे होते हैं जिसको दिन रात कहा जाता है। अब ये दिन का व्रत नहीं है, रात्रि का व्रत है। तो रात्रि भी 4 प्रहर की होती है। तो 4 प्रहरों में 4 प्रकार से अन्य अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान शंकर का इसमें पूजन होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जवल हिमाचल की विशेष रिपोर्ट।